हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मीठी सिवई। ये सिवई रोस्टेड थी और हमने इसको उबाल लिया है। अब इसके लिए हमें चाहिए कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, किशमिश और चिरौंजी। अब और चाहिए पिसी हुई शक्कर, मावा। सबसे पहले पैन लेंगे, पैन में डालेंगे घी। ये इसमें डालेंगे उबली हुई सिवई। सिवईयों को हम घी में भूनेंगे। यहाँ पर हमने रोस्टेड सिवईयां ली थी जो हमने उबाल ली थी। अगर आपकी सिवई रोस्टेड नहीं है तो आप उसे पहले घी में भून लें। ये देखिए उबली सिवई को हमने भून लिया हुआ है और इसमें डालेंगे अब मावा, डालेंगे किशमिश, चिरौंजी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हमने यहाँ फूड कलर डाला है, ऑरेंज थोड़ा सा ही डालेंगे। इसको हमने पूरे में अच्छे से मिक्स नहीं किया है, ऐसे ही थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें कुछ हमारी सिवईयाँ वाइट हैं और कुछ कलर में बदल चुकी हैं। आप चाहें तो पूरा अच्छे से इसमें मिक्स कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें जरा सा हरा कलर लेंगे, उसको भी इसी में हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसको। और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। सिवईयों को हम एकदम ठंडा कर लें, तब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे, नहीं तो शक्कर हमारी सिवई पिघल जाएगी। सिवई हमारी एकदम ठंडी हो चुकी है। और ऊपर से डालेंगे कटे हुए बादाम और काजू। और अब बनकर तैयार है मीठी सिवईयां। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों अगर आपको हमारी सिवई पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।